नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलम ऑर्डर इन वी लुकअप के बारे में। तो हमारा आपने वी लुकअप विथ मैच और इंडेक्स का वीडियो देखा होगा। चलिए एक और वीडियो आपका हम आपके साथ बताने जा रहे हैं कि हमारे सामने एक डेटा है जिसमें नेम सिटी अमाउंट एंड कोड है, और मुझे इस कोड के बिहाफ पे मान लीजिए नेम चाहिए। जैसे मुझे 14 का नेम चाहिए, तो जनरली वी लुकअप नहीं ला सकता, क्योंकि वी लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट चलता है। जी हाँ, लेफ्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ्ट नहीं आता है। इसके लिए हम इससे पहले जो वीडियो में हमने बताया था आपको कि हम यहाँ पे मैच और यहाँ पे मैच और इंडेक्स का यूज करते थे। तो मैच और इंडेक्स का क्या होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी वीडियो डाल दी हुई है, इसको देख सकते हैं कि मैच और इंडेक्स के जरिए हम कैसे लाते थे। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स लगा दिया और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा हमने 5 दे दिया, तो मोहन आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 14 का जगह पे 17 करूँ तो 17 नहीं है 15 करूँ तो 15, 16 करूँ 16, तो आ जाता है। तो हमने मैच और इंडेक्स का यूज किया था, लेकिन हम बिना मैच और इंडेक्स यूज किए भी इसका ला सकते हैं चूज का। जी हाँ, वी लुकअप में चूज का फॉर्मूला यूज करके। तो कैसे, देखिए हमने वी लुकअप लगाया, वी लुकअप में हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया टेबल एड, और यहाँ पे हम फॉर्मूला देंगे चूज। अब मेरे पास दो कॉलम है कि मैं यहाँ कोड और नेम चाहिए, तो यहाँ हम जो है कर्ली ब्रैकेट में 1 कॉमा 2 कर देंगे। और 1 कॉमा 2 कर दिया, और तो पहला जो है आप सिलेक्ट करेंगे अपनी कोड को, और दूसरा सिलेक्ट करेंगे जिस टेबल को लाना चाहते हैं उस टेबल को, उस फील्ड को। फिर चूज को क्लोज कीजिए, कॉमा 2 एंड कॉमा 0 जैसे वी लुकअप पे हम करते हैं वो कर दीजिए, एंटर मारते ही आपके सामने आ जाएगा। इसमें मैच और इंडेक्स नहीं लगाना पड़ा, लेकिन अब ये फॉर्मूला वर्क कैसे किया इस चीज को जानिए। तो सबसे पहले हम चूज के फॉर्मूले के बारे में जानते हैं कि चूज फॉर्मूला क्या करता है। चूज फॉर्मूला करता है जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम यहाँ बोलते हैं कि भाई यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, इस तरह से रिजल्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर F5 पे 1 हुआ तो 1 को शो कर देगा, 2 हुआ तो दूसरे वाले को शो कर देगा, 3 हुआ तो तीसरे वाले को शो कर देगा। तो इसके जगह पे हम कुछ भी वैल्यू अपना दे सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किया चूज, और चूज में कर्ली ब्रैकेट में 1 एंड कॉमा 2 कर दिया, और यहां पे हमने दे दिया मान लीजिए 1 कॉमा 2, और फिर इसको एंटर मारते हैं। तो ये 1 एंड 2 दोनों देखिए एरे फॉर्मेट में आ गए, क्योंकि ये एरे फॉर्मूला बन गया, तो 1 एंड 2 दोनों आ गया। तो सेम चीज यहां पे हुआ है, जैसे यहां देखिए कैसे परफॉर्म कर रहा है S3। अब चूज जो चला तो क्या किया, जैसे यहां पे देखिए 1 एंड 2 दोनों दे दिया था, उसी तरह से ये क्या किया कि आपका कोड नेम को भी एक एरर फॉर्मेट में यहां दे दिया कि 11 पूजा। अब यहां पे देखेंगे कि कोड और नेम के बीच में कॉमा है, और नेम और कोड के बीच में सेमी कॉलन है, ये एरर फॉर्मूला मैं बताता हूं। और फिर इस तरह से वर्क किया, रिजल्ट आपको दे। अगर 3 कॉलन होगा तो फिर यहां पे तीसरा करना पड़ेगा, तीसरे को तीसरा करना पड़ेगा, फिर यहां आपको तीसरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका यूज हम करते हैं, लेकिन कोई बड़े डेटा में नहीं कर पाएंगे। 1 या 2 कॉलम आपको करना हो तो ठीक है, 2 की जगह पे मैं 3 कर दूंगा तो सिटी आ जाएगा यहाँ पर, कर सकते हैं। लेकिन बड़े फॉर्मूला में मैच इंडेक्स या ऑफसेट मैच ही बेटर रहेगा। और कैसे ऑफसेट मैच और मैच इंडेक्स वर्क करता है, तो उसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो देख लीजिए।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो भी मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं, या फिर मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं डेली एक एक घंटा मेरे साथ अकेले पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे हम वन टू वन क्लास कराते हैं। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पर आपका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे स्काइप कर सकते हैं। मेरा स्काइप नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो फटाफट फोन उठाइए और मेरा नंबर को सेव कर लीजिए और एक गुड मॉर्निंग का मैसेज दे दीजिए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।